नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। सैफ न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं यूसुफ अली। दोस्तों, आपको मालूम होगा थोड़े दिन पहले वसेविरान महानगर पालिका अंतर्गत एक मामला उठा था। दरअसल मामला आया था वसेविरान महानगर पालिका में 59 अधिकारियों के की पदोन्नति प्रमोशन हुआ था। तो उस प्रमोशन के बाद में निचले लेवल के कर्मचारियों ने आवाज उठाई थी। एक पोस्ट वायरल हुआ था कि सालों साल से लिपिक और वरिष्ठ लिपिक के पद पर कार्यरत कर्मचारियों की पदोन्नति नहीं हुई, लेकिन कुछ ही सालों पहले वरिष्ठ लिपिक बनाए गए लोगों को फिर पदोन्नति देते हुए अधीक्षक बना दिया गया। तो इस मामले पर तभी मैंने एक खबर बनाई थी, वीडियो बनाया था। उसके बाद मुझे लगा कि इस मामले की पड़ताल करनी चाहिए, तो मैंने एक माहिती वसेविरान महानगर पालिका आस्थापना के पास मांगी थी। वो भी आप देख सकते हो मेरे पास में है इस माहिती में। तो इस माहिती को मांगा था मैंने, इसमें जो कुछ मांगा था उसमें मुझे अभी तक पूरा माहिती मिला नहीं है। मैंने इसमें मांगा था कि इन अधीक्षक जो भी पदोन्नत हुए हैं उनकी डिटेल मांगी थी, और महानगर पालिका में काम करने वाले ऐसे कर्मचारी जिनको जो लिपिक के पद पर है उनको 10 साल या 20 साल हो गए, उनको वरिष्ठ लिपिक के पद पर है उनकी यादी उनका वो मांगा था। लेकिन मुझे सिर्फ दिया गया ये पिछले 2-3 बार का प्रमोशन का कॉपी दिया गया। बाकी का मुझे मटेरियल जो मैंने मांगा वो माहिती दिया नहीं गया। खैर, वो विषय अलग है, उसके लिए मैंने फिर से बोला और वहाँ से मुझे बोला गया कि वो भी उपलब्ध करा के देंगे। लेकिन अभी विषय ऐसा है कि जो आरोप लगा था कि जिनका पहले पदोन्नति हुई थी, तो मैं इस चीज पे आता हूं। 2018 में महानगर पालिका में एक आदेश निकलता है, 3 फरवरी 2018, उसमें एक आदेश निकलता है और लिपिक टंक लेखक को वरिष्ठ लिपिक के पद पर प्रमोशन मिलता है। उसमें कुल 82 लोगों को लिपिक से वरिष्ठ लिपिक बनाया गया। अब ये 2018 की जो लिस्ट है, उसके बाद बात करते हैं अभी अपन 2021 में जो हुआ, जिसको लेकर विवाद सामने आया। तो 2021 में 59, ये तारीख है 28/12/2021, उसमें 59 लोगों का प्रमोशन हुआ। वो प्रमोशन वरिष्ठ लिपिक से उनका सुप्रिंटेंडेंट के ऊपर हुआ की पोस्ट पर। अब इसमें बड़ा दिलचस्प बात यह है कि 2018 की जो लिस्ट है, उस लिस्ट के 51 से ज्यादा, कुल 51 अधिकारी वही है जो जिनका 2018 में लिपिक पद से वरिष्ठ लिपिक के पद पर प्रमोशन हुआ था। उनको 4 साल से भी कम समय हुआ, 3/2/2018 से 28/12/2021, यानी 4 साल भी पूरा नहीं हुआ, लेकिन दूसरी बार उनको प्रमोशन दे दिया गया। लेकिन उसके सामने वही लिपिक जो है उनको किसी को प्रमोशन नहीं दिया गया, और वही विवाद था। वो जो नीचे तबके के लिपिक जो है उन्होंने ये मांग उठाई थी, उन्होंने ये नाराजगी व्यक्त की थी। तो एक ये चीज है। उसके बाद में दूसरी इसमें एक चीज ये है कि इन जो 59 लोगों का अभी प्रमोशन हुआ, इसमें कुछ नाम ऐसे भी है कि जिनके खिलाफ निलंबन की कार्यवाही हो चुकी है, जिनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू थी, उसके बावजूद उनको पदोन्नति दे दी गई। एक और चीज इसमें कि पहले 2018 में कुल 82 लोगों को पदोन्नति दी गई थी, लेकिन यहां 59, उन 82 में से भी 59 लोग है या 51 लोग है, तो बाकी के जो लोग है 31 लोग, हो सकता है कुछ सेवानिवृत्त हो गए हो, किसी ने VRS ले लिया हो, कोई गुजर गया हो, पॉसिबल है। वो उतनी जानकारी निकालना पड़ेगी कि किसके साथ क्या हुआ, लेकिन उसके अलावा भी कुछ ऐसे लोग अभी भी इस लिस्ट में हो सकते हैं कि जो भी वरिष्ठता का जो आधार है जिसको आधार मानकर इनको पदोन्नति दी गई, उसमें उसके हकदार वो भी थे।
तो कहने का मतलब स्थापना विभाग जो है वसई विरार महानगर पालिका का एक काफी घुमावदार विभाग है, और स्थापना विभाग अपने आप में क्या करता है मालूम नहीं पड़ता। एक दो में उदाहरण और भी आपको देना चाहूंगा। एक उदाहरण ऐसा है कि प्रभाग डी, प्रभाग समिति ड में, वहां पर सहायक आयुक्त, वहां पर सॉरी माफ कीजिएगा, वहां पर अकाउंटेंट थे मनोज वनमाली। मनोज वनमाली का ट्रांसफर हुआ प्रभाग समिति एफ में प्रभारी सहायक आयुक्त के तौर पर। उनका ट्रांसफर हो गया, उन्होंने प्रभारी वहां का प्रभार ले लिया, लेकिन करीब 2 महीने से ज्यादा का समय बीत गया और जब महानगर पालिका का बजट भी तैयार करना था, इतने समय में महानगर पालिका ने प्रभाग ड में, स्थापना विभाग ने प्रभाग ड में परमानेंट अकाउंटेंट नहीं दिया। वही दोनों चार्ज देखते थे, यानी एक तरफ काम का बर्डन कितना हो सकता है, फिर उनको वहां से हटाकर मनोज वनमाली को, अभी फिलहाल उनकी बदली हो चुकी है प्रभाग समिति ई में, उसके बाद में अब जाकर प्रभाग समिति ड में नया अकाउंटेंट बिठाया गया है। तो एक तरफ तो यह है कि एक अधिकारी के ऊपर ज्यादा वजन डाला जा रहा है, तो दूसरी तरफ ऐसे काबिल अधिकारी बैठे हैं जिनको ऐसा काम दिया हुआ है कि वो कुछ काम के नहीं है। आपको याद होगा पिछले साल 2021 में एक मामला हुआ था, महानगर पालिका के एक अधिकारी मोहन संखे ने कुछ, उनका स्टिंग ऑपरेशन हुआ था और स्टिंग ऑपरेशन में कुछ उन्होंने ऐसा बोला था कि उसके बाद उनको महानगर पालिका, तब वो प्रभारी सहायक आयुक्त थे प्रभाग समिति एफ के, वहां से हटा दिया गया। बहुत समय तक उनको कहीं पर चार्ज नहीं दिया गया, और उसके बाद में जब चार्ज दिया गया तब उनको शिक्षण विभाग में डाला गया है जहां कुछ काम नहीं होता है, क्योंकि वहां वसई विरार महानगर पालिका का शिक्षण विभाग लगभग नगण्य है। महानगर पालिका में जो अभी भी हैंडओवर हुआ नहीं है। उसके अलावा ऐसे ही एक और अधिकारी है जिनकी बात की जाए तो सुखदेव दरवेशी, ये भी निलंबन पर चल रहे हैं। किस कारण इनका निलंबन हुआ किसी को पता नहीं है। जबकि ये सुखदेव दरवेशी जब 2015 में स्वच्छता विभाग के सहायक आयुक्त थे, तब वसई विरार महानगर पालिका ने अवार्ड दे इंडिया लेवल पर अवार्ड जीता था। तो अब स्थापना विभाग में क्या चल रहा है और क्यों स्थापना विभाग इस तरह से अधिकारियों के साथ में व्यवहार करता है, इस चीज का स्थापना विभाग को कहीं ना कहीं खुलासा करना चाहिए। हालांकि महानगर पालिका का अंदरूनी मामला है, लेकिन फिर भी अंदरूनी नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये जनता के लिए है। आज अगर अधिकारी, जैसे मैंने अभी बताया मनोज वनमाली का एक उदाहरण बताया, मनोज वनमाली को 2 महीने तक वहां पर प्रभाग ड में अकाउंटेंट नहीं दिया गया था और मनोज वनमाली ही वो प्रभार देख रहे थे, तब ऐसे में कोई भी इंसान काम का लोड कहां तक झेलेगा। वैसे ही मोहन संख्या का मामला है, ये बात सही है कि मोहन संख्या का जो विवाद, जो मामला उठा था वो कुछ ऐसा था कि शायद नहीं होना चाहिए था, लेकिन अगर उनका स्टिंग ऑपरेशन हुआ तो उस स्टिंग ऑपरेशन में अगर उन्होंने कुछ गलत कहा है, ऐसा कुछ कहा है, तो उनका निलंबन क्यों नहीं हुआ। और निलंबन नहीं हुआ, सिर्फ उनको काम पे से हटा दिया, उनको कोई ऐसा विभाग नहीं दिया जा रहा है, और जब दिया गया तो ऐसा विभाग दिया गया जो विभाग कोई काम का नहीं है। और ऐसे बहुत उदाहरण हैं, बहुत उदाहरण है जिनको, जो जहां काबिल अफसर होना चाहिए वो वहां नहीं है, और दूसरी ऐसी जगह पर है जहां या तो उसको इंटरेस्ट नहीं है काम का, या तो उसको जबरदस्ती रखा गया है। कल मैंने जो खबर बनाया था वसई के एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी तसनीफ शेख, जिन्होंने आमरण उपोषण के लिए बोला हुआ है, वो भी आस्थापना का ही विषय था। उस विषय में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो एक ही जगह पर सालों साल से टिके हुए हैं, और यहाँ कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिनकी 2-3 महीने में बदली हो जाती। तो कहीं ना कहीं स्थापना विभाग जो है वसई विरार महानगर पालिका का, जिसके ऊपर महानगर पालिका की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, वही विभाग किस तरह से काम करता है, इसका खुलासा आपके सामने है।
इसके अलावा 2017 में भी कुछ लोगों को बनाया गया था, पूरी डिटेल है, लेकिन जो मेन चीज है लिपिक का और वरिष्ठ लिपिक का वो नहीं दिया गया, वो माहिती उन्होंने छिपा दिया, नकारा नहीं है लेकिन दिया भी नहीं है। अब ये इस बात का सबूत है कि वसई राम महानगर पालिका में कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे और अगले खुलासे में। नमस्कार। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।